तो दोस्तों ये हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अस्तर और कपड़े को इस तरह से मिला लेना है। ये देखिए जो इनका जो जोड़ है बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। ये हम एक बार आपको डिटेल में बता देते हैं। ये देखिए हमने जो ये मेन कपड़ा है तो ये सीधा है, नीचे की तरफ रखना है, फिर अस्तर रखना है उसके ऊपर, और ये जो निशान आ रहा है हमारे तो ये निशान ऊपर की तरफ आना चाहिए। इसी तरह से हमने इन दोनों में भी आमने सामने करके रख लिया है और बाजू को भी हम इसी तरह से करके रख लिया है। तो ये हम हटा देते हैं एक बार और आपको डिटेल में बता देते हैं किस तरह से करना है। तो इन्हें हमें बिल्कुल इसी तरह से लपेट के रखना है ताकि चेंज ना होने पाए। तो हमें सबसे पहले कपड़े में हमें अस्तर को अटैच करना है। तो अटैच हम किस तरह से करेंगे तो उसके बारे में हमें सबसे पहले सीखना है। तो देखिए ये हमने ये निशान लगा रखा है, ये हमारे ब्लाउज का उल्टा साइड है, ये उल्टा साइड है। तो इन दोनों पल्लों को हमें, ये देखिए उल्टा साइड है, इस तरह से रखना है और इसे भी हम उल्टा साइड इस तरह से रख लेंगे। अब ये देखिए इनका बिल्कुल आमने सामने मिल रहा है, जो भी कटिंग है इसकी सेम हमें इसी तरह से रखना होता है, डबल पीस में जो भी पीस होता है। अब इसके बाद में ये दोस्तों देखिए सीधा वाला कपड़ा हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, उल्टा वाला कपड़ा ऊपर की तरफ है। अभी हमें अस्तर लेना है, अस्तर में भी हमें इस तरह से निशान लगा लेना है उल्टे साइड का। ये देखिए हमने निशान लगा रखा है। अब दोस्तों इस पल्ले में हमें ये इस तरह से रखना है और दूसरे भाग पे ये इस तरह से रखना है। चलते हैं मशीन पे और इसे स्टिचिंग करके आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमें इसके किनारे से सिलाई लगा के इनको अटैच कर लेना है अस्तर के साथ में कपड़े को। तो इस तरह से हमने अटैच कर लिया है। अब इसका हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया है, तो अस्तर के साथ में कपड़े को अटैच कर लिया है। ये हमारी बाजू हैं और ये जो हमारे इसके भाग हैं चोली के, इस सबको हमने अटैच कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब दोस्तों हमें इन पल्लों में अटैच करना है, तो देखिए हमें इस तरह से रखना है और ये दोस्तों जो तुरपाई का भाग है नीचे की तरफ आएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। हमें इस तरह से मिला के रखना है इसे और एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए नीचे की तरफ बिल्कुल बराबर आया हुआ है, तो इस तरह से हमने अटैच कर लिया। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से इसके पफ उठ के आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। अब इसमें हमें यहाँ पे हुक और आई की पट्टी लगा देना है। तो ये कपड़ा लेना है हमें और हुक के लिए कम से कम दोस्तों 3 इंची चौड़ी पट्टी हमें कटिंग कर लेना है। ये हमारी एक हुक की पट्टी हो गई और इसी तरह से हमें आई की पट्टी भी कटिंग कर लेना है।
अगर ये पट्टी आपको छोटी पड़ती है तो इसमें आप जोड़ लगा लें। तो दोस्तों लेफ़्ट साइड में हमारे जो उल्टे हाथ का भाग होता है तो उसमें हमारी आई की पट्टी बनेगी, जो एक्स्ट्रा बनती है पट्टी। तो देखिए हमें इस तरह से रखना है पट्टी को और एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगाना है। और इस पट्टी को हमें इस तरह से बाहर की तरफ फिनिश करना है। और फिनिश करने के बाद में दोस्तों अगर ये आपकी किनारी है तो आप इसे सिर्फ इतना फोल्ड कर दें, अगर कन्नी नहीं है इसमें जो किनारी जिसे बोलते हैं तो आप कपड़े को इस तरह से एक बार फोल्ड करें और फोल्ड करके इस तरह से रखें और रख के आप ऊपर की तरफ से सिलाई लगा दें। ये आप ध्यान रखें कि जो नीचे वाला हमने कपड़ा फोल्ड किया है तो सिलाई के साथ में दबना चाहिए, मतलब सिलाई के साथ में अटैच हो जाना चाहिए। एक सिलाई हमें किनारे पे भी लगा देना है। दोस्तों जिसमें हमारी आई बनेंगी तो आई वाली पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है, यहाँ पे हमारी आई बन जाएंगे। अब हमें हुक वाले पल्ले को तैयार करना है। तो जो हमने ये पट्टी कटिंग किया है तो देखिए इस तरह से हमें रखना है और इसमें भी एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगा देनी है। अब दोस्तों 1 इंच हमें इस तरह से इसमें भी बढ़वा रख के सिलाई लगाना है। अब इसे हमें अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके इसमें कच्ची सिलाई लगा देना है। जब तुरपाई हो जाएगी तो कच्ची सिलाई को खोल देंगे। तो दोस्तों हमारा हुक और आई के दोनों पल्ले तैयार हो चुके हैं फ्रंट के। ये देखिए इस तरह से ये दोनों भाग हमारे तैयार हुए हैं। ये दोस्तों बैक का पल्ला है तो यहाँ पे हमें पहले प्लेट डाल लेना है इसमें। ये हमने एक साइड की प्लेट डाली है, इसी तरह से हमें दूसरी साइड की प्लेट डाल लेना है। अब ये प्लेट डालने के बाद में हमें कंधी दोनों की अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से रखेंगे, कंधी में हमें 1/2 इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगा देना है। अब इसी तरह से दूसरी कंधी जोड़ लेना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, बाजू की मोहरी जो है उसे तुरपाई के लिए फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से हम एक पैर का अंदर दबाव देते हुए इस तरह से हमें फोल्ड करके और इसमें कच्ची सिलाई लगा देना है। तुरपाई होने के बाद में सिलाई हम खोल देंगे। तो दोस्तों इसमें हम बाजू आपको बिल्कुल सरल तरीके से लगाना बताएंगे, इसमें आपको बाजू लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरीके से हम बताने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरह से रखना है और ये बैक का भाग है। तो दोस्तों ये हमें चीज़ को ध्यान देना है, जो ये हमारा बाजू का आर्म होल छटा होता है, मतलब कटिंग ज़्यादा हम करते हैं फ्रंट की तरफ की, तो वो दोस्तों फ्रंट में आना चाहिए और ये जो हमारा राउंड थोड़ा गोलाई में ज़्यादा रहता है तो ये बैक के भाग में आना चाहिए। तो इस तरह से हम रखेंगे और एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगा देना है। ये दोस्तों बाजू चढ़ाने का सबसे आसान तरीका है ब्लाउज का। अब ये हमें ध्यान देना है कि ये जो कंधी का जोड़ है
और ये जो कुटका है बिल्कुल दोनों बराबर पे आना चाहिए। और ये कंधी के जोड़ को हमें बैक के साइड को फोल्ड करना है। ये देखिए दोस्तों, दोनों तरफ हमारा कपड़ा बाजू का और बैक फ्रंट के दोनों भाग बराबर आए हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप बाजू को अटैच करेंगे तो दोस्तों इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये देखिए बाजू में कहीं पे झोल भी नहीं है और बिल्कुल फिनिशिंग से बैठी हुई है। तो इसी तरह से हमें दूसरी साइड की बाजू अटैच कर लेना है। तो दोस्तों हमने दोनों तरफ की बाजू अटैच कर लिया है, अब हमें क्या करना है। तो दोस्तों ये जो हमारा उल्टा साइड का कपड़ा है, तो देखिए इस तरह से हमें पकड़ना है। सीधा वाला कपड़ा हमारा ऊपर को आना चाहिए और ये जो अंदर वाला है तो अभी अंदर की तरफ ही रहना चाहिए। और इस तरह से हमें दोनों को बराबर मिला के पकड़ना है और हम एक पैर का दबाव देते हुए पहले सिलाई लगाएंगे दोनों को एक साथ में अटैच करके। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी अटैच कर लेना है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। देखिए इस तरह से पकड़ना है हमें और दोनों को इस तरह से मिलाना है और एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगा देनी है। और इसका जो बाजू का जोड़ है तो दोस्तों बाजू की तरफ ही कर देना है। अब इस साइड का भी हमें ये एक्स्ट्रा दबाव कटिंग कर देना है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस तरह से ब्लाउज को हमें उल्टा कर लेना है कि गले में हम पट्टी या पाइपिंग जो भी लगाना है आपको वो लगा सकते हैं। इसमें पट्टी लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी कटिंग कर रखा है। इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए हमें पहले इसे जोड़ लेना है सही से। तो देखिए इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे और इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ भी दोस्तों बिल्कुल एक साथ मिलने चाहिए। अगर कोई भी कम ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसका सीधापन नहीं रहेगा, वो इस तरह से पट्टी घूम जाएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ये देखिए पट्टी का जोड़ लगाने का तरीका हम बता देते हैं आपको। इस तरह से रखें, अगर आपके छोटे बड़े पल्ले हैं तो इस तरह से इन्हें दोनों बराबर मिला के कटिंग कर लें तो ये बिल्कुल बराबर जोड़ आपके आएंगे। और इस तरह से रख के एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगा देना है। और ये जो नोक निकल रही है तो इस नोक को हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। तो देखिए जोड़ लगाने के बाद में बिल्कुल सीधी पट्टी हमारी हो जाती है। अब आप चाहें तो इसे जोड़ को इस तरह से प्रेस कर दें, इधर का जोड़ इधर को और इस साइड का जोड़ इधर को कर सकते हैं। अब ये देखिए जो हमारा गला है तो गले में क्या करना है, पट्टी को दोस्तों हम हमेशा खींच के लगाते हैं, पाइपिंग हो या पट्टी। अगर आप खींच के लगाएंगे तो दोस्तों ये जो गला कंधी गिरने का प्रॉब्लम आती है, अगर पट्टी आप खींच के लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आएगी। तो देखिए हम आपको बताते हैं किस तरह से पट्टी को खींचना है। ये देखिए इस तरह से पट्टी को खींच के रखना है और नीचे वाले ब्लाउज के कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना दोस्तों, उसे बिल्कुल ढीला छोड़ना इस तरह से फ्री। और ये पट्टी को हमें खींचना है। और दोस्तों ख़ास करके आप जो मुड्ढा आता है यहाँ पे इतनी दूर पे तो इसे तो ज़रूर खींचें, बहुत ज़्यादा खींचें इसे। हल्के हल्के बट पड़ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी, बल्कि बहुत बढ़िया से गला बैठेगा, कंधी गिरने की जो प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। दोस्तों इसमें हम फालस पट्टी लगा रहे हैं जो अंदर हमारी तुरपाई के लिए फोल्ड हो जाएगी। और हम किसी दिन वीडियो बनाएंगे तो इस पाइपिंग की वीडियो बनाएंगे कि पाइपिंग हम किस तरह से लगाएं। इसमें दोस्तों ब्लाउज में कपड़ा बहुत कम था इस वजह से हम पाइपिंग नहीं लगा रहे।
फालस पट्टी लगा रहे हैं। अभी दोस्तों आप सोचेंगे फालस पट्टी क्या है, तो दोस्तों ये अस्तर वाले कपड़े से लगती है और ये दोस्तों हम सिलाई लगा के इसे अंदर की तरफ ही फोल्ड कर देते हैं, बाहर की तरफ नहीं दिखती पट्टी, तो उसे बोलते हैं फालस पट्टी। तो ये देखिए हमने खींच के लगाई है पट्टी, तो इसमें थोड़े से बट आ रहे हैं। अब इसे हमें इस तरह से नाखून से प्रेस कर लेना कपड़े को। अब इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी पट्टी फोल्ड करने से अंदर की तरफ बैठेगी नहीं। और दोस्तों ये जो दबाव है, तो दबाव हमें पट्टी के अंदर की तरफ ही फोल्ड करना है। ये देखिए हमने पट्टी की तरफ फोल्ड किया और इस कपड़े को इस तरह से हमें फोल्ड करना है, तो इसका जो ब्लाउज का दबाव है तो इस पट्टी के अंदर आ जाएगा, तो इसी तरह से फोल्ड करना है आपको। तो दोस्तों इस तरह से हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब ये जो हमारा नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसे कट इन कर देना है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे पट्टी को, और इसे इस तरह से फोल्ड करके हमें दोस्तों इसमें कच्ची सिलाई लगा लेना है। सिलाई दोस्तों इसमें लंबी करके लगाना है, क्योंकि तुरपाई होने के बाद में इसे हमें खोल देना है। तो देखिए कितना फिनिशिंग से गला हमारा बैठ गया है। ये देखिए दूसरे साइड का भी हम दिखा देते हैं। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से गला बैठ जाता है इस तरह से, इसमें कहीं पे भी बट नहीं आएगा, और प्रेस लगने के बाद में तो इसमें फिनिशिंग इतनी अच्छी आती है। और ये जो कंधी गिरने का सबसे बड़ी समस्या आती है, तो दोस्तों ये पट्टी अगर खींच के नहीं लगाते तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। और सबसे पहले हमें बाजू की मोरी का निशान लगा लेना है, तो 12 इंच मोरी है तो 12 का आधा हुआ 6 इंच। ये देखिए इस तरह से निशान लगा लेना है। अब दोस्तों चेस्ट का निशान लगाना है, तो 38 इंची चेस्ट है, तो 38 का चौथा हिस्सा लेना है दोस्तों, तो ये 9.5 इंच आएगा। ये देखिए इस तरह से हमें निशान लगा लेना है, और ये हमें 20 सेंटर इस पर निशान ज़रूर लगाना है, ताकि हमें पता चल सके कहाँ से हमें नाप लेना है। अब दोस्तों कमर है 31 इंच, तो 31 का चौथा हिस्सा लेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 7.5 इंच। तो इस तरह से हमें निशान लगा देना है। अब इस निशान को हमें बिल्कुल सीधा इस तरह से मिला देना है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड नाप के निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए हमें इस तरह से निशान लगाना है। ये दोस्तों हमारा बिल्कुल परफेक्ट नाप लगा हुआ है। वैसे ये देखिए 7.5 इंच आ रहा है। हम चेस्ट के पास भी एक बार नाप लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों 9.5 इंच चेस्ट के पास भी निशान सही लगा हुआ है। अब हमें बाजू का सिर्फ निशान लगाना है, तो इस तरह से बाजू को हम फोल्ड करके रखेंगे। और 12 इंच मोरी है तो 6 इंच पर निशान लगा लेना इस तरह से, और इस निशान को हमें यहाँ पे मिला देना है। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। लेकिन दोस्तों फिटिंग का निशान लगाने से पहले आप इसमें क्या करें, ये जब हमने एक पैर की सिलाई लगा के इसे अंदर की तरफ गुम कर दिया है, तो आप इसे इस तरह से तुरपाई के लिए पहले फोल्ड कर लें इस तरह से।
तो बाय चांस अगर लूज टाइट भी करना पड़ा तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी इस तरह से अगर फोल्ड करते हैं तो। अब हमें दोनों पल्लों की हुक और आई को पट्टी को इस तरह से मिला के रखना है, ये देखिए इस तरह से। और जितना हमने ये आई वाली पट्टी को फोल्ड किया है तो उसी के बराबर से हमें दूसरे भाग को भी फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे इसमें, ये देखिए निशान हमने लगा लिया है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से पकड़ना है और इसे हमें फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ। तो दोस्तों इस तरह से हमने तुरपाई के लिए फोल्ड कर लिया है। अब दोस्तों जो हमने निशान लगाया था तो इसे इस तरह से बराबर मिला के रखना है। और ये जो हमारा 20 सेंटर है बैक पल्ले का, तो यहाँ से हमें दोनों भाग को इस तरह से मिला लेना है। और मिलाने के बाद में हम दोस्तों फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेना है। ये देखिए जो निशान लगा रखा है तो यहीं से हमें स्टार्ट करना है सिलाई लगाना। तो दोस्तों इस तरह से हमने सिलाई लगा दिया है। अभी देखिए हमारा ब्लाउज तकरीबन तकरीबन तैयार है। इसमें सिर्फ हमें टिच पट्टी लगानी है। तो टिच पट्टी के लिए हमें 1 इंची चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेना है इस तरह से। और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देना है। देखिए जो कंधी का भाग जहाँ पे जोड़ है तो वहीं पे हमें इस तरह से रखना है और इसे सिलाई से अटैच कर देना है। और इस पट्टी को हमें इस तरह से कट इन कर देना है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। तो हमने पट्टियाँ लगा दी हैं। अब दोस्तों इसका हम साइज़ नाप लेते हैं एक बार। ये देखिए कमर हमें इस तरह से नापना है। यहाँ से बराबर रखेंगे इंची टेप को और जिधर हमारी आई बनती है तो दोस्तों उधर की आई को पट्टी को हमें एक्स्ट्रा में लेना है क्योंकि अंदर दब जाती है। तो देखिए दोस्तों 31 इंची कमर है तो बिल्कुल परफेक्ट नाप आ रहा है, कहीं लूज और कहीं टाइट नहीं होगा। अब इसी तरह से हमें चेस्ट को नाप लेना है। दोस्तों ब्लाउज बनाने के बाद में आप इसका साइज ज़रूर चेक कर लें। तो देखिए 9.5 इंच आ रहा है फ्रंट का भाग और हमें इस तरह से पकड़ना है। और ये दोस्तों देखिए बिल्कुल परफेक्ट नाप हमारा चेस्ट का भी आ रहा है। ये जो हमारी आई की पट्टी है तो आई पट्टी को छोड़ के 38 इंच 38 इंची चेस्ट तैयार है। और इसी तरह से हमें बाजू की गोलाई नाप लेना है। तो देखिए 12 इंच हमारी बाजू की गोलाई है। तो ब्लाउज हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें तुरपाई कर देनी है और हुक आई लगा देना है और इसे ओवरलॉक करके प्रेस कर देना है। ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर ये प्रिंसेस कट ब्लाउज स्टिचिंग का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ब्लाउज की स्टिचिंग का वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगले वीडियो मिलते हैं हम कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।